प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री अगर पीछे चल रहे थे कुछ समय तक, यही मैं ट्रेंड मानता हूँ देश। जो प्रधानमंत्री अजिंक्य है, अजय है, भगवान के अवतार है, वो भी उनके वाराणसी में बनारस में पीछे चल रहे थे। ये ट्रेंड है इस देश का, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, क्या ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लगता है देश में परिवर्तन होने जा रहा है। सर, को लेकर सवाल पीएम पीएम बनने को लेकर राहुल गांधी के बारे में उसमें भी लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगी, अभी बात नहीं, 4 बजे के बाद में बात करूंगा, अभी पूरे नतीजे आने दो, ट्रेंड स्पष्ट होने दो। लेकिन कुछ जगह पर तो 1 लाख का लीड है, जैसे अमर नंदुरबार जो बीजेपी की जगह है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार गोविल पाडवी युवा उम्मीदवार है, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। नासिक में हमारे शिवसेना के राजाभा वाजी 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत से ऐसी सीटें हैं हमारी महा विकास आघाड़ी की जहां लाख लाख का मताधिक लीड अभी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, वो ट्रेंड जो है वो मोदी जी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी जैसा आप कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी ने प्रधान, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि वो मैंने इतना ही कहा है, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन को सक्सेस या यश मिल रहा है, उनके कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता थे, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी है, तेजस्वी यादव जी है, अखिलेश यादव जी है, ममता जी है, हाँ सभी नेता हम एक साथ रहे, हम एक साथ काम के, शरद पवार साहब है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तूफान खड़ा किया, जो आंधी, आप उसका परिणाम देख रहे हो कि कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ही हम बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस 150 की छलांग मार रही है तो हमारा इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुमत की ओर जा रहा है। राहुल गांधी देश के नेता है और राहुल गांधी मोदी जी से भी लोकप्रिय है, मैं कहूंगा। थैंक यू।